वेलकम बैक माय वीडियो। सभी बच्चों को और मेरे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करो, इसके तीन पार्ट हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 4, बच्चों ये दोनों साइडों से क्वेश्चन हल होएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोनों साइडों से हल होते हैं। देखो, 1 + k 1 / cos a साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos a। इसका कर दो बच्चों परिमेयकरण। परिमेयकरण करते कैसे हैं, उल्टे चिन्ह से गुणा, ठीक। इसके बाद इसके ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा यहां पर, कोस ए, तो कोस ए प्लस 1 / cos a। कोस ए से कोस ए खत्म, इजिकल टू ऊपर कितना आएगा साइन स्क्वायर ए और 1 + cos a अपॉन में नीचे क्या बन जाएगा, a - b और a + b, तो a² - b² तो cos a + 1 = sin² a और 1 + cos a। ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन स्क्वायर ए का, क्योंकि हम जानते हैं एक बात, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos² a, ठीक। साइन स्क्वायर खत्म, तो 1 + cos a = 1 + cos a। तो क्या आ गया बच्चों, LHS = RHS। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5, कोस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 / cos a + sin a - 1 = cosec a + cot a। बच्चों इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या ध्यान रखना है बात आपको, यदि यहाँ पे कोट हो तो कोट के लाग फॉर्मूला होता है कोस अपॉन में साइन, तो भाग किससे करोगे तुम इसे, कोट के लाग सदैव भाग करना साइन से, और जब यदि यहाँ पे टेन हुआ, ठीक, तो टेन के लाग किससे भाग करोगे, कोस से। तो यहाँ पे क्या है कोट, तो फिलहाल में किससे भाग करनी है, अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर, ठीक, कोट के लाग साइन से और टेन के लाग कोस से भाग करो, तो कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस का 1 / sin a / अंश में भाग कर दिए, अब हर में भाग करो, कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस का साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस का 1 / sin a। साइन ए खत्म, ये साइन ए, साइन ए खत्म, कोस अपॉन में साइन कोट ए माइनस का 1 + कोसेक ए / कोट ए प्लस का 1 - कोसेक ए। तो चूंकि कोसेक ए बराबर 1 / sin a, ठीक, चूंकि कोट ए बराबर फॉर्मूला होता है कोस ए / साइन ए, तो यहां दोनों फॉर्मूले लगा चुके हैं बच्चों। अब इसमें से सीधा ले लो, पहले कोट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1 / कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1, क्योंकि एक बात तो जानते हैं बच्चों हम, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होता है 1, ठीक। तो ये जो 1 जो देख रहा है बच्चों, इसकी जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो रखते हैं, देखो कोट ए प्लस के कोसेक ए माइनस का वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए / कोट ए माइनस के कोसेक ए प्लस का 1। बच्चों यहां पे ए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो कोट ए प्लस के कोसेक ए माइनस का, इसका फॉर्मूला खोल दो। इसका फॉर्मूला जब खुल के आएगा क्या आएगा, ए प्लस बी ठीक और ए माइनस बी। बटे तो कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का वन। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से जो कॉमन है ऊपर से कॉमन निकालो क्या, कोसेक ए प्लस का कोट ए, कोसेक ए प्लस का कोट ए। तो कॉमन ले लो इसमें से कोसेक ए प्लस के कोट ए, जब इसमें बचे कॉमन आ जाएगा ये वाला पद ठीक। तो यहां पे क्या बचेगा वन और माइनस का, यहां क्या बचेगा कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए बटे कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का वन ठीक। तो बच्चों इसे सीधे करके लिख लो कोसेक ए प्लस के कोट ए ठीक। तो वन माइनस का कोसेक ए प्लस के कोट ए बटे नीचे वाला, पहले वन माइनस का कोसेक ए प्लस के कोट ए। बच्चों यहां पे हमने स्थिति चेंज करी है, देखो ये प्लस का था प्लस का, ये माइनस माइनस है प्लस है, तो प्लस इस पूरे पद से ये पूरा पद खत्म। बचा क्या कोसेक ए प्लस के कोट ए आर एच एस, यही हमें सिद्ध करना था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिद्ध करो पार्ट सिक्स। एल एच एस लेते हैं बच्चों इसके, एल एच एस अंडर रूट में वन प्लस के साइन ए अपॉन में वन माइनस के साइन ए ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट में वन प्लस के साइन ए अपॉन में वन माइनस के साइन ए। इसका करना हो हमें परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है उल्टे चिन्ह से गुणा, वन प्लस के साइन ए अपॉन में वन प्लस के साइन ए ठीक। तो ऊपर क्या बन जाएगा होल स्क्वायर वन प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर बटे नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होएगा इसलिए वन लिखे डायरेक्टली। तो यहाँ क्या जाएगा वन प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, ये फॉर्मूला किसका होता है, चूंकि वन माइनस का साइन स्क्वायर ए किसका होता है, कोस स्क्वायर ए का ठीक। तो यहाँ क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए अंडर रूट में, इसे पूरे का होल स्क्वायर बना लो, वन प्लस का साइन ए बटे कोस ए होल स्क्वायर। तो इससे ये कटेगा स्क्वायर स्क्वायर क्या बनेगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, कोई बच्चा स्क्वायर से अंडर रूट को मत काट देना ठीक है, होल स्क्वायर से काटना पूरा रूट। तो वन प्लस के साइन ए बटे कोस ए, इसे कर देते हैं बच्चों अलग अलग, वन अपॉन में कोस ए प्लस का साइन ए बटे कोस ए। इधर देख लेते हैं वन अपॉन में कोस ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए प्लस ये फॉर्मूला किसका होता है टेन ए, ये क्या आ गई आर एच एस, यही हमें सिद्ध करना था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पांच का सातवां पार्ट एल एच एस। एल एच एस साइन थीटा माइनस के टू साइन की क्यूब थीटा अपॉन में टू कोस की क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा। तो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है साइन थीटा, तो क्या बचेगा वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा ठीक है बच्चों। यहां से एक घात ले ली और इधर से भी एक घात कॉमन लेते, यहां पे दो घात बचेंगे बटे। इसी प्रकार नीचे से कॉमन क्या है कोस थीटा, तो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। बच्चों ये दोनों ही फॉर्मूले कोस टू थीटा के होते हैं, इन्हें तुम इलेवंथ क्लास में पढ़ोगे। कोस टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके होते हैं कोस टू थीटा के ठीक। तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो कोस टू थीटा अपॉन में, यहां पे क्या जाएगा कोस थीटा
और इनटू में कोस टू थीटा, इससे ये खत्म। क्या बचा? साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है? टेन थीटा। तो RHS, ठीक, चूंकि टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला बताया था, क्या बता रखा आपको? साइन थीटा बटे कोस थीटा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पांच का आठवां पार्ट, इंपोर्टेंट LHS, साइन ए प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस के कोस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो फॉर्मूला खोलो इसका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी प्लस का, इसका फॉर्मूला बोलो क्या खुलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए सॉरी ए और बी। ठीक है, तो इसमें साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक जगह लिख लो बच्चों। साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए, क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? इसका मान वन हो जाएगा। इन दोनों को एक जगह लिख लो, प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के टू साइन ए, इसका फॉर्मूला खोल दो। क्या खोलेगा? वन अपॉन में साइन सेक का प्लस के टू कोस ए, सेक का फॉर्मूला वन अपॉन में कोस, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इससे खत्म, इससे खत्म। ठीक, ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है, प्लस के वन प्लस के कोट स्क्वायर ए प्लस के वन प्लस के टेन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का टू और प्लस का टू। तो एक और एक दो तीन, ये कितने हो गए? सात, प्लस के टेन स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर ए RHS। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाइन्थ पार्ट, कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कोसेक ए इजिकल टू वन अपॉन में टेन ए प्लस का कोट ए। ये बच्चों दोनों साइडों से हल करने पर क्वेश्चन इजी पड़ेगा। देखो कैसे, कोसेक का फॉर्मूला वन अपॉन में साइन ए माइनस का साइन ए। मैंने आपको बच्चों बताया है साइन का कोस का फॉर्मूला नहीं भूलता। इसका वन अपॉन में कोस ए माइनस का कोस ए, ठीक, इसके नीचे वन मान लो, इसके नीचे वन मान लो, इजिकल टू वन अपॉन में इसका फॉर्मूला साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस का कोस ए बटे साइन ए। टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन में कोस, कोट का फॉर्मूला कोस अपॉन में साइन। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका? साइन ए तो ऊपर आएगा वन माइनस का, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, कैची वाली गुणा, तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा इंटू इसका एलसीएम कितना आएगा? कोस ए, इधर भी क्रॉस होना, इसकी इसमें वन और माइनस का कोस स्क्वायर ए इजिकल टू वन अपॉन में इसका एलसीएम ले कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? कोस ए और साइन ए, ठीक, कैची वाली गुणा करो। साइन की साइन में क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और कोस के कोस में तो कोस स्क्वायर ए, ये बन पहुंच जाएगा ऊपर वाल इसके पास। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये फॉर्मूला किसका होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए और कोस ए, ठीक आ गए। तो ऊपर आ जाएगा कोस ए और इंटू साइन ए, इसका मान क्या होता है? वन। ठीक, क्योंकि हमने आपको बच्चा बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इजिकल टू होता है वन, जो पहली सरलीकरण थी। तो कोस ए साइन ए की एक पावर खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा? कोस ए इंटू साइन ए इजिकल टू वन। से किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो को से इंटू साइन ए वही संख्या थी। ठीक, तो दोनों साइड बराबर प्रूफ होगी, तो क्या लिख देंगे नीचे? LHS बराबर RHS। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पांच का दसवां पार्ट, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू
वन माइनस टेन ए अपॉन वन वन माइनस का कोट ए का होल स्क्वायर बराबर में टेन स्क्वायर ए। बच्चों ये क्वेश्चन तीनों साइड से हल करते हैं ठीक। तो यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए का अपॉन में, और वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर ए का ठीक इज इक्वल टू, तो वन माइनस का टेन का फॉर्मूला साइन ए अपॉन में कोस ए, और वन माइनस का कोट का फॉर्मूला कोस ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए ठीक। तो सेक सेक का फॉर्मूला वन अपॉन में कोस स्क्वायर ए अपॉन में वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसके नीचे वन मान के ले लेते हैं इनका एलसीएम ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आएगा कोस ए, तो इसकी इसमें गुणा करो कितना जाएगा यहाँ पर कोस ए माइनस का साइन ए, इसका एलसीएम लो कितना जाएगा यहाँ पर साइन ए, तो इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें गुणा, तो यहाँ कितना जाएगा साइन ए माइनस का कोस ए ठीक इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो ये वाला पद इसके पास पहुंचेगा और ये वाला पद इसके पास पहुंचेगा ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से ये ऊपर ये इसके पास, यहाँ कितना बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन ए इंटू में कोस ए माइनस का साइन ए बटे नीचे जाएगा कोस ए और साइन ए माइनस का कोस ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेटिंग है बंद, होल स्क्वायर लग रहा था सबके ऊपर ठीक है, ये होल स्क्वायर लग रहे थे। आगे चलते हैं साइन अपॉन में कोस किसका फॉर्मूला होगा टेन स्क्वायर ए का ठीक। तो इसमें से बच्चे तो नीचे से माइनस कॉमन ले ले ऊपर से, क्यों, क्योंकि ये सेम हो जाएंगे जैसे फिर कट जाएंगे, और यदि मैं ऊपर से कॉमन लेता हूँ माइनस तो क्या आ जाएगा साइन ए ठीक। तो साइन ए तो जाएगा प्लस का, ये वाला हो जाएगा माइनस का, लेना ए की साइड से कॉमन है ठीक है, अपॉन में कोस ए और साइन ए माइनस का कोस ए ठीक, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, इस पूरे से ये पूरा खत्म। तो यहां पर टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहां क्या बचा माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, इसके जब तुम होल स्क्वायर खोले हो तो क्या बन जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, देखते हैं इधर अब, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस टेन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर पे पहुंच जाए यहां कितना आ गया टेन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया हेंस क्रूट, यही हमें सिद्ध करना था। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर था, अब इसके बाद नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।